मध्य प्रदेश के बड़वाह में पिछले 3 वर्षों से अकेले ही मेहनत कर अपने खर्चे से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गड्ढे भरने के लिए ईंट के टुकड़े गिट्टी मुरुम एकत्रित कर गड्ढों को भरते आ रहे पंडित ढाबे के संचालक समाज सेवी कपिल तिवारी उर्फ गड़बड़ सेठ ना ही रात देखते हैं ना ही दिन। जब भी कोई 3-4 किलोमीटर के क्षेत्र में बड़ा गड्ढा दिखता है तुरंत सामग्री लेकर गड्ढा भरने अकेले ही निकल जाते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को महाराष्ट्र से जोड़ने वाला 203 किलोमीटर लंबा इंदौर इच्छापुर हाईवे इन दिनों बड़े बड़े गड्ढों से खस्ता हाल हो गया है। गहरी नींद में सोया शासन प्रशासन की अनदेखी से इंदौर इच्छापुर हाईवे की हालत खराब है। गड्ढों की वजह से बच्चे व बुजुर्गों को लगने वाले दचके से वे घायल हो जाते हैं। वहीं इस मार्ग से निकलने वाली इमरजेंसी एम्बुलेंस में स्थित मरीज भी उस समय पर इलाज से वंचित रह जाता है। वह बताते हैं कि एक गड्ढे को भरने के 8 दिन बाद पुनः उसे भरते हैं। 8 दिनों में भरा हुआ गड्ढा पुनः अपने पुराने आकार में आ जाता है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बहुत ही मेहनत करते हैं हमारे अंकल जी, गड़बड़ सेठ है ये, इनका हाथों से गड्ढे बूझ रहे हैं। ग्राम बड़वा में बड़े बड़े गड्ढे हैं, हमारे गड़बड़ सेठ गड्ढे बूझ रहे, देखो उधर की साइड देखो पूरे गड्ढे बूझ रहे हैं। इंदौर इच्छापुर रोड पे जमाने भर के खड्डे, एकाएक एम्बुलेंस आती है महाराष्ट्र से एक्सीडेंट की, खंडवा से बुरहानपुर से, एकदम वो मरीज की हालत क्या होती होगी। एकदम जब झटका लगता है वो तो एम्बुलेंस की गतिविधि से चलती है, तो ये मेरे मन से भरता हूँ 8 दिन चलते हैं खड्डे, ये 3 किलोमीटर के पुल से लेकर नाके तक के खड्डे में भर देता हूँ। मेरे मन से मेरे पे किसी का दबाव नहीं, कुछ नहीं, मेरी स्वेच्छा से मैं भरता देता हूँ खड्डे, मेरे स्वयं के पैसे से, धन मन धन से। जो बेचारे बीच में और सहयोगी लोग भी आ जाते हैं जो रास्ते चलते, वो भी मेरे संग काम करने लग जाते हैं। इस पे ना शासन और प्रशासन दोनों ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ देखते चले जाते हैं। और ये पूरा मटेरियल ये स्वयं मेरे पैसे का है, बेचारे लोगों बोलते भी इसमें कुछ मेरे से सहयोग ले लो, तो मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ। प्रशासन बिल्कुल मौन धारण करके बैठा हुआ है। मैं तो जब 8 दिन में खड्डे हो रहा जब भर रहा हूँ, अब ये रोड की ये गति हो गई किसको किल्लर हाईवे रोड बोलने लग गया। अब कल ही देखो एक जवान छोड़ा तारानगर का, शांत हो गया बता मोटरसाइकिल से, ऐसे खड्डे किसको बचाता, एक बचाता और दूसरा घायल हो जाता, मर गया बता। उस पर कुछ कोई भी नहीं ध्यान दे दिया इस रोड पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।